हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेडएक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जरोदा पर हम अपनी ट्रेड बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या हम उसमें कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने कितने स्टॉक्स में ट्रेड लिया है। उसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पिछले 7 डेज में या पिछले 7 दिन में हमने कितने स्टॉक्स में ट्रेड लिया, पिछले 30 दिन में हमने कितने स्टॉक्स में ट्रेड लिया, या हमारे लिए अगर 1 साल की रिपोर्ट को चेक करना है तो हम उसको 1 साल की रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जरोदा पर अपनी ट्रेड बुक को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेड बुक को देखने के लिए हम अपने यहाँ पर यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे। यूजर आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंसोल का। यहाँ पर आप देखो कंसोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कंसोल के अंदर यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रेड बुक का। तो हम इस ट्रेड बुक वगैरह ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट पेज पर लेके आएगा console.zerodha.com पर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये लोड हो रहा है। अब आप यहां से देख सकते हो कि हम console.zerodha.com की वेबसाइट पे यहां पर आ चुके हैं। यहां पर ट्रेड बुक है, यहां पर डेट भी दिखाई दे रही है 2022/5/9, यानी 9 तारीख 5वां महीना 2022 से 9 तारीख 6वां महीना 2022 तक के बीच। अगर आपके लिए कोई इक्विटी की रिपोर्ट चाहिए तो आप यहां पर इक्विटी पे क्लिक करोगे, बिल्ड आ रिपोर्ट यूज टू अबव फॉर अ जनरेट रिपोर्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं, इक्विटी पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे ऑप्शन आ गया सर्च एज एंड फिल्टर। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके लिए किसकी रिपोर्ट चाहिए, इक्विटी की चाहिए। मैं आप क्लिक करके दिखाऊं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग को ही हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। अगर आपके लिए केवल स्टॉक्स ट्रेडिंग की ट्रेड बुक चाहिए तो आप इक्विटी पे क्लिक करोगे। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की है, अगर आपके लिए उसकी ट्रेड बुक चाहिए तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने करेंसी में ट्रेडिंग की है तो आप करेंसी पे क्लिक करोगे। कमोडिटी में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी, एक्सटर्नल ट्रेड, MF, म्यूचुअल फंड में। अगर आपने किसी में भी ट्रेड की है और उस ट्रेड की आपके लिए ट्रेड बुक चाहिए तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहां पर इक्विटी का रहने देता हूं क्योंकि ज़्यादातर हम स्टॉक्स में ही यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब सिंबल का मतलब होता है कि अगर आपके लिए पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में चेक करना है कि जैसे कि रिलायंस में या इन्फोसिस में या TCS में पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में आपने कितने ट्रेड लिए तो आप यहाँ पर सिंबल डालोगे। अगर आपके लिए टोटल ट्रेड चेक करनी है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आपके लिए दिखाई देगी डेट, किस डेट से किस डेट तक का आपके लिए यहाँ पर ट्रेड बुक डाउनलोड करनी है। लास्ट 7 डेज की चाहिए, लास्ट 30 डेज की चाहिए या लास्ट 1 ईयर की चाहिए। अब आपके लिए जितने ईयर की भी आपके लिए चाहिए, जितने टाइम की आपके लिए रिपोर्ट चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज पर क्लिक करूँगा और आपके लिए जो एरो दिख रहा है इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे लास्ट 30 डेज की ट्रेड बुक यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको XL, XXL, XX में डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, और CSV फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जितने भी स्टॉक्स में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया वो सारे स्टॉक्स हमारे लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक्स है कैनरा बैंक, CNBK, ये उसका ही सिम्बोल है। 15 क्वांटिटी बाई की, किस प्राइस पर बाई की है हमने, उसके बाद हमने इसको किस प्राइस पे सेल कर दिया। ग्रासम इंडस्ट्रीज़ की 2 क्वांटिटी, ओबरा रियल्टी, ONGC, कोल इंडिया और आइडिया के स्टॉक्स, हेबल्स इंडिया, रिलायंस, HDFC लाइफ, HDFC, NTPC। अब जितने भी स्टॉक्स में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया वो आप यहाँ से ट्रेड बुक को चेक कर सकते हो। ये हमारा एक पेज है। दूसरे पेज में हमें कुछ सारे स्टॉक्स होंगे जिनमें हमने लास्ट 30 डेज के अंदर हमने ट्रेड लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। अगर आपके लिए डाउनलोड करना है CVC पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड फाइल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारी ट्रेड बुक है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करके भी CSV फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि जरोदा पर हम अपनी ट्रेड बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।